के डंगर रस्सा चबणो ना डकिया हट दे कुत्ते बह गए राज ते फिर चक्की चट दे पत्थर उत्ते बूंद ना कोई असर दिखावे कदे बंदे दी माणका आदत ना जावे। और बदकिस्मती है साड़ी कि जिस देश का नारा यह रहा हो जय जवान जय किसान ते अज वो किसान अपने हकों लई सड़कां दे उत्ते रोल रहा हो कि जुबान तो खोल नज़र तो मिला जवाब तो दे मैं कितनी बार लुटा हूँ मुझे हिसाब तो दे नो अपील नो दलील नू रॉयल एक्ट कहा जाता सी उस तरीके का कानून जिहड़ा हुण केंद्र सरकार फिर लैके आ गई इत्थे ते हाल तो बन जानी आ किसान दी कि था इरादा शिकायत तेरी करेंगे हाकम से मगर वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला किसी ने सुननी नहीं ओदी इहदे नाल महंगाई वधनी आ जनता भुखी हो जानी आ क्योंकि किसान ते स्टॉक कर ही नहीं सकता ते हुण गल ओ करती कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे जानते नहीं हालत की है सूबा सरकारां नूं जिहड़े भी चलाउंदे आ चाहे वह अकाली है चाहे वह कांग्रसी है उन्हां नूं इन्हां चीज़ां दे नाल फर्क ही कोई नहीं उन्हां नूं सिर्फ अपने घर भरन दे नाल मतलब है जिवें ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी ते हौली हौली उन्हें पूरे देश दे उत्ते कब्जा कर लिया सी अंग्रेजां ने उस तरीके ही हुण होण जा रहा कि 1947 च आजादी लैण तों बाद असी इहो जी नींद सुते सानू होश ही नहीं आई ते चोर साडा सारा कुछ ही लैके चले गए। दोस्तों मैं बोलना तो उत्थे जाके चाहुंदा सीगा जिथे किसानां ने धरना दिता पर जदों उन्हां नाल मेरी गल हुई उन्हां ने स्पष्ट लफ्जां दे विच इक गल कही कि असी सियासी बंदिआं कोलों थोड़ा परहेज कर रहे हां क्योंकि उन्हां दे डंगे होए ही असी इत्थे बैठे हाँ। और बदकिस्मती है साडी कि जिस देश का नारा यह रहा हो जय जवान जय किसान ते अज वो किसान अपने हकों लई सड़कां दे उत्ते रोल रहा हो कोई टाइम सीगा जदों किसान यह तय करता सीगा कि सत्ता किसनों देनी है अज सत्ताधारी तय कर रहे हैं कि किसान नूं की देना और किसान विचारा जिवें यह कह रहा हो कि जुबान तो खोल नज़र तो मिला जवाब तो दे मैं कितनी बार लुटा हूँ मुझे हिसाब तो दे मैं गल कर लगा जिस ऑर्डीनेंस नूं लैके किसान धरने दे उत्ते बैठा जिन्हों रोकण करके वह सड़कां दे उत्ते उतरिया पिया उहदे विच तीन जिहड़े बिल जिहड़े इन्हां पास कीते उह किहड़े किहड़े आ नंबर एक फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स इस एक्ट दे विच किसी भी इंसान को सिर्फ उहदा एक पैन कार्ड जिहड़ा होना जरूरी आ यह भी दसना जरूरी नहीं कि उहदे खाते च पैसे हैगे आ कि नहीं हैगे उहदे कोल नकद पैसे हैगे आ कि नहीं हैगे उहदी बैंक च कोई लिमिट हैगी कि नहीं हैगी कोई बैंक उहदी गरंटी लैंदा कि नहीं लैंदा कुछ भी ना होवे पर उह किसान दी फसल जिहड़ी खरीद सकदा शर्त इह रखी गई है कि तीन दिनां दे विच विच जिहड़ी किसान नूं अदायगी करनी ज़्यादा जरूरी है ते जे उह अदायगी नहीं करदा जे कोई झगड़ा पै जांदा ते किसान उह केस लैके SDM कोल जा सकदा जे उत्थे भी नहीं निबड़दा ते फिर DC कोल जा सकदा ते जे DC कोल भी नहीं निबड़दा ते फिर अगे ना को अपील ते ना दलील जिवें अंग्रेजां वेले एक एक्ट आया सीगा नो अपील नो दलील इहनूं रॉयल एक्ट कहा जांदा सी उस तरीके का कानून जिहड़ा हुण केंद्र सरकार फिर लैके आ गई। हुण मैं पुछना चाहुंदा कि जे किसान दे कोई पैसे मार लूगा ते कौन जिम्मेवार है इस साडे देश दे विच एडे एडे नौसरबाज बैठे आ जिहड़े घर बैठे लोगों के खाते चो पैसे कढ़ा लैंदे आ फिर किसान उन्हां दे चुंगल चो किसान उन्हां दीआं छात्र चालां चो किस तरह बजूगा ते दूजी गल फिर जिहड़े वड्डे वड्डे कारोबारी आ जिन्हां ने किसानां दी सारी फसल खरीद लैणी आ जिन्हां ने सारी सौदेबाजी करनी आ जिन्हां दा सारा कारोबार ते कब्जा है उन्हां दे खिलाफ किहड़ा DC ਕਿਹੜਾ SDM ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਥਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇਰੀ ਕਰੇਂਗੇ ਹਾਕਮ ਸੇ ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕਮ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੂਜਾ ਐਕਟ 1955 ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ
किसी चीज़ का जखीरा नहीं इकट्ठा कर सकता। कारण की सीगा कि इहदी ब्लैक जिहड़ी मार्केटिंग आ उह घट करन वास्ते इह कानून सीगा। हुण एक आदमी एक व्यापारी जिन्हों का सारा हिंदुस्तान के व्यापारां दे उत्ते कब्जा वा, वह सारे देश का अन्न भावें खरीद लवे ते दूने मुल तक वेच सकदा, उहनूं कोई पुछण वाला नहीं। इहदे नाल महंगाई वधनी आ, जनता भुखी हो जानी आ, क्योंकि किसान तो स्टॉक कर ही नहीं सकता। उहनूं ते विचारे नूं टेंशन हुंदी आ भी किदण उहदी फसल पक्के, किदण वड्डी जावे, ते उस दिन उह अरदासां करदा रहिंदा भी इह सुखी सांदी मंडी दे विच पहुंच जावे। अद्धों वध ते वादी हिंदुस्तान की पहला ही भुखी सौंदी आ देश दे विच। इस तों बाद ते साडे देश दा रब ही राखा, पहला तो असी सुनते होंगे सीगे कि जिस परमात्मा ने पैदा किया वो आपे रोटी भी दूगा, तो हुण इह कहावत ही बदल जानी आ। हुण तो यह होगी कि जिहदे उत्ते वड्डे घराणियां की नज़र मेहरबान आ, उन्हां नूं रोटी वह आपे देणगे, बाकी भावें भुखे मरते रहन। नंबर तीन जिहड़ा एक्ट उहदे विच की आ कि फार्मरस एग्रीमेंट ऑन प्राइस अशोरेंस एंड फार्म सर्विसिज, के कंट्रैक्ट बेस दे उत्ते किसान नाल इक करारनामा कर लिया जाऊगा, जमीन का नहीं फसल का जिहड़ा ठेका कर लिया जाऊगा, कि उहदा रेट जिहड़ा पहला ही तय कर लिया जाऊगा। कि मन लो किसी की फसल का भाव जिहड़ा वध गया, पर कंपनी ने जिहड़ा उहदे नाल रेट तय किया आ उस रेट के उत्ते उहदे कोलों फसल खरीदी जाऊगी। तो जे किते रब ना करे बाजार दे विच भाव घट गया तो वह कंपनी को एडे एडे अधिकार आ, वह कोई भी नुक्स कढ के जिवें किसी नाल लड़ाई झगड़ा घर च करना होवे तो सब्जी चो वाल कढ लईदा वा, इस तरीके का कोई नुक्स कढ के उहदी फसल नूं जिहड़ा डिनाई कर दूगा, वह चुकण तों इनकार कर दूगा, तो किसान विचारा थां थां ते धक्के खांदा फिरूगा अपनी फसल वेचण लई। ते जे इस दौरान कोई कुदरती मार पै गई तो उहनूं कोई पैसा भी नहीं उह दूगा। सिर्फ ये तीन कानून ही ना समझे जाण, किसानी नूं खत्म करन लई होर किहड़े किहड़े फरमान जिहड़े जारी किए जा रहे हैं, जिहदे वल लोकां दा जे ध्यान नहीं जा रहा। एक कानून होर है इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, द इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये तीन च एक कानून सीगा, उहनूं हुण सोध करके 2020 दे विच एक कानून नवा लैके आंदा गया बिजली दे उत्ते, कि 1947 च जदों देश आजाद होया उस तों बाद एक इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट बनिया सी 1948 दे विच, कि बिजली की जिहड़ी पैदावार आ उहदे सारे अधिकार जिहड़े उह सरकार कोल रहणगे, क्योंकि ये डिवेलपमेंट का साधन आ ना कि कमाई का, इस तो कमाई नहीं करन दित्ती जाऊगी। तो 1965 दे विच जदों देश दे विच अकाल पिया सीगा, रोटी दे लाले पए सीगे, तो उस टाइम साडे प्रधानमंत्री जिहड़े सीगे श्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्हां दीआं हदायतां दे उत्ते एक हरी क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लैके आंदा गया सीगा, जिन्हों ना दिता गया सीगा जय जवान जय किसान। ते खास करके ये जिहड़ा ये हरी क्रांति सी, ये पंजाब लई सी, कि उन्हां कहा सीगा कि बिजली बोर्ड भावें घाटे च चला जाए भावें करजा चुके, पर किसानां नूं जिहड़ी पूरी सहूलत दित्ती जाऊगी, क्योंकि मुख टीचा सीगा देश दे विच अनाज पैदा करना। और उदों दसदे आ कि दुनिया की जिहड़ी सब तो वध पैदावार उह पंजाब ने कीती सी, और सारे भारत नूं पंजाब कल्ले ने रोटी खवाई सीगी, ते जदों अपना फायदा निकल गया ते हुण गल उह करती कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे जानते नहीं। उस तो बाद 1948 तो बाद 1965 का जिहड़ा जय जवान जय किसान दे नारे तो बाद 2003 दे विच ROR 16 नूं कहा जांदा रेट ऑफ रिटर्न, एक एक्ट लैके आया गया जिहदे विच इह कीता गया कि सिर्फ बिजली बोर्ड नूं घाटे च नहीं रहण दित्ता जाऊगा, 16% इस तों मुनाफा जिहड़ा कमाया जाऊगा। 2003 दे विच इहदे विच कानून च सोध करके इह कीता गया कि जिहड़ी पैदावार आ उह प्राइवेट हत्थां च वी दे दित्ती जाऊगी, पर जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन आ जिहड़ी वंड आ जिहड़ी सप्लाई आ उह सरकार करूगी। ते हुण 2020 दे विच इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 इहदे विच सोध करके जिहड़ी बिजली दी वंड आ जिहड़ी सप्लाई आ उह वी प्राइवेट हत्थां दे विच दे दित्ती जाऊगी, और एक सार एक स्लैब होगी सारे रेट की, चाहे कोई 100 यूनिट वरत ले, चाहे कोई 500 यूनिट वरत ले, चाहे कोई 5000 यूनिट वरत लवे, उहदे ते इक्को ही रेट जिहड़ा तय किया जाऊगा। किसानां दलतां नूं जिहड़ी बिजली माफ मिलदी आ उहनां नूं पहलां बिजली का बिल जमा करवाउणा पिया करूगा, फिर उहनां दे खाते दे विच पैसे जिहड़े उह वापस आया करनगे। केंद्र सरकार ने इहनूं नां दित्ता DBT, डायरैक्ट बेनीफिट ट्रांसफर ऑफ सबसिडी। कारण की है,
केंद्र कहिंदा कि राज सरकारां दी करप्शन करके जो पैसा जिस काम लई आउंदा है लाउंदियां ही नहीं, चाहे वह स्कॉलरशिप का होवे, चाहे वह मकानां दे पैसे होण, चाहे सिक्ख्या दे पैसे, चाहे हैल्थ दे पैसे, चाहे मनरेगा, चाहे गैस सिलेंडर आ, चाहे स्किल इंडिया दे नां दे उत्ते पैसे आउंदे आ, वह लोकां तक पूरे पहुँचते नहीं। और एड्डी बेशर्मी दी गल आ कि नीति आयोग का एक मैंबर पंजाब च आया होवे और वह कह के गया होवे कि देश के दे पांच चार सूबे सब तो वे भ्रिष्ट सूबे आ उन्होंने पंजाब भी आता, इतों के लीडर जोड़े वो बहुत पैसे खाते आ और सीधा सीधा जोड़ा लाभ आ वह लाभ पात्री तक जाता ही नहीं गा। हालत की है सूबा सरकार जेड़े भी चलाते हैं, चाहे वह अकाली है, चाहे वह कांग्रसी है, उन्होंने इन चीज़ों के नाल फर्क ही कोई नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने घर भरन के नाल मतलब है। जो उन्होंने मैं चार लैणा कह लव तो मैनू कोई गुरेज नहीं होगा कि डंगर रस्सा चबणों ना डकियां हट दे, कुत्ते बह गए राज ते फिर चक्की चट दे, पत्थर उत्ते बूंद ना कोई असर दिखावे, कदे बंदे दी माणका आदत ना जावे। इन्ने हालात विगड़ गए पर इन्हां दीआं हालातां दे विच, इन्हां दे हालतां दे विच कोई सुधार नहीं आया इन्हां लीडरां दीआं च। केंद्र ने अपनी सोच नाल जो कीता मैं नहीं कहिंदा वह गलत है, वह ठीक है, पर दूजा पहलू उन्हें देखा ही नहीं कि पंजाब च किसान बहुत छोटे है, घट जमीन वाले आ, एक एक मोटर का बिल जो उन्हों का 45 तो 50 हज़ार रुपया जो साल का आता वह पहला कितों जमा कराने, उन्होंने को रोटी अपनी जोगे भी पैसे नहीं होंगे, बच्चों की पढ़ाई जोगे भी पैसे नहीं होंगे, किसान तो भुखा मर रहा, वह बिजली के बिल नहीं जमा कराऊगा पहला इन्हों, तो बिजली कट देंगे जे बिल ना जमा कराया, तो साधन की बचूगा वो केंद्र ने नहीं सोचा। तो वड्डी मार की है कि कोई भी खपतकार जोड़ा वा वो कोर्ट के विच नहीं जा सकता, उन्हों जा वो ना वो एस डी एम को जा सकता, ना वो डी सी को जा सकता, ना वो हाई कोर्ट जा सकता, ना वो सुप्रीम कोर्ट के विच जा सकता। जे वो जा सकता है उसकी कोई सुनवाई शुरू करेगा तो वह जो बिजली का रेगुलेटरी कमिशन है सिर्फ वोदी सुनवाई कर सकता, तो रेगुलेटरी कमिशन के चेयरमैन मैंबर ये पहला जिहड़ियां राज दीआं सरकारां लाउंदियां सी ते हुण जिहड़ा नवें एक्ट के मुताबिक आ इन्हां दी नियुक्ति भी जिहड़ी केंद्र करूगा, तो ये जिहड़े चेयरमैन लगने आ ये मैंबर लगने आ, तुसीं की सोचते हो वड्डे घराणियां दी मर्जी दे नहीं लगने, ये तो उन्हां दे सीईओ बन के बह जाणगे, उन्हां दे हक च काम करनगे। कौन सुनवाई करूगा गरीब की, खपतकार से हर केस हारूगा, वो कितने सुनवाई नहीं होनी कि जिवें किसे शायर ने बड़ा वधिया कहा कि तुम्हारा शहर तुम ही मुद्दई तुम ही मुनसिफ, मुझे यकीन है कि कसूर मेरा ही निकलेगा। सरकारां वड्डे व्यापारियों फायदे के चक्कर दे विच एको भुल गई कि किसान दुनिया का सब तो जिहड़ा रिस्की इनवैसटर है, जिहड़ा खुले समान दे विच अपनी रास पूंजी रखता है, कोई छोटे तो छोटा कारोबारी भी होवे, चाहे वह मोची होवे, चाहे वह को मतलब छोले भटूरे वेचण वाला होवे, कोई भी होवे, वो अपनी छोटी तो छोटी दुकान नूं भी ताला ला के जांदा, पर किसान जिहड़ा 6 महीने सौं के नहीं वेखदा, हर छोटे तो छोटे काम का बीमा हैगा पर किसान की फसल का कोई बीमा नहीं। सरकारां दोवें वादे जिन्ना जिन्ना ने कीते, चाहे वह स्टेट गौरमेंट है चाहे वह सेंटर गौरमेंट है, मैनीफेस्टो दे विच ते ओह कहिंदे सी किसानां नूं सहूलतां देवांगे, इन्हां दे करजे माफ करांगे, स्वामीनाथन की जिहड़ी रिपोर्ट आ उहनूं लागू करांगे, पर हालात की बन गए पूरे किसी ने भी नहीं कीते। मतलब कोई भी बंदा अपने वादे नहीं निभाउंदा। जे मैं इन्हां नूं इह कहां कि गीत लिखे भी तो ऐसे कि सुनाए ना गए, जख्म यू लफ्ज में उतरे कि दिखाए ना गए, और आज तक रखे हैं पछतावे की अलमारी में चोन मैनीफेस्टो के वादे जो दोनों से निभाए ना गए। स्वामीनाथन उन्हां दी रिपोर्ट दे विच की सीगा मैं तुहाडे ध्यान च लियावां, उन्होंने कहा सीगा कि जदों एक सरकारी मुलाजम नूं तनखाह दे नाल कई भत्ते मिलते वो परिवार वास्ते, मैडिकल भत्ता वो परिवार को भी मिलता, नाल हाउस रेंट मिलता, इतों तक कि वर्दी धोण तक जे कोई वर्दी पाँदा धोण तक का भी भत्ता दिता जाता, जे कि जज लगे आ उन्होंने पर्दे धोण तक का भत्ता दिता जाता, फिर किसान का पूरा परिवार खेती नूं समर्पित हुंदा, जिन्ना खर इहनूं भी भत्ते देने बहुत ज़्यादा जरूरी है, कल्ले उहदी मेहनत दे नाल उहदे परिवार का गुजारा नहीं चल सकता। वो रिपोर्ट ना लागू करन करके किसान दे अज्ज हालात हो गए। उन्हें कहा सीगा अपनी रिपोर्ट दे विच कि जिन्ना खर्चा फसल दे उत्ते आउंदा है उहदा 50% जिहड़ा भत्ता किसान नूं दिता जावे, मान लो जे 10 हज़ार रुपया खर्चा आया
ते 5000 उन्हों नाल दिता जावे 15000 करके इहदे नाल नाल सूचक अंक दे नाल नाल चलिया जावे जां महंगाई दे हिसाब दे नाल चलिया जावे जिवें 1970 दे विच किसी सरकारी मुलाजम की तनखा 50 रुपये सीगी अज उहदी तनखा 2020 दे विच 50 सालां बाद 1,00,000 रुपया हो गई ते जे उदों किसान की कणक की कीमत 80 रुपये सीगी हुण ते लखां च पहुँच जानी चाहीदी सी उहनूं पैसे किन्ने मिलदे आ 1,800 रुपया क्विंटल दा जिवें 1970 दे विच तेल की कीमत 60-70 पैसे सीगी वो 100 गुणा वध के अज 75 रुपये का हो गया मतलब 100 गुणा वध्या ते जे कणक उस टाइम ते 70 रुपये क्विंटल सी इनू 100 नाल गुणा करके कम से कम 7000 रुपया तो मिलना चाहिए वादे ये सीगे वो ते पूरे नहीं किए गए ते फिर एडी की आफत आ गई देश दे विच नैशनल मैडिकल जिहड़ी एमरजेंसी चल रही है फिर बैकडोर ते जाके ब्लैक आवर दे विच ये बिल क्यों पास किया गया किहड़े घरानियां दे दबाज किया गया देश दे महामारी दे नाल जूझ रहा वा फिर ये कानून एडी छेती इन्हां दिनां दे विच लियाउण दी की लोड़ सी किते ना किते वड्डे घराने जिन्हां ने पैसा कमाउणा जिन्हां ने सरकारां बनाउण दे उत्ते पैसा लाउणा उन्हां दा किन्ना क दबाव सीगा ते सरकार तर्क की दिंदी आ किसानां दी फसल ना चुकण दा कि ये पेस्टिसाइड कीटनाशक जिहड़ियां दवाइयां इन्हां दी वरतों बहुत ज़्यादा हुंदी आ विदेशों के फसल विकती नहीं तो जदों उत्थे जाके रिजैक्ट कर देंगे तो उन्होंने वापस असी लिया नहीं सकते खर्चा बहुत ज़्यादा आता तो यह सुटना पैंदा हुण सवाल की है कि कीटनाशक जिहड़ी दवाइया की वरतों वध पैदावार करन लई किसान नूं मजबूर किने कीता जदों किसान नूं कई दहाकियां तो उहदी फसल का मुल ही नहीं मिल रहा वो करजाई हो रहा वो भुखा मर रहा फिर वो करे की अपनी पैदावार वधाउण लई उहने फिर ये तरीका जिहड़ा वेखो वेखी अपना लिया और अज ये सब नूं भुगतना पैण रहा वा हुण मैं सरकार नूं पुछना चाहुंदा चाहे वह केंद्र दी आ चाहे पंजाब दी आ वो दसे कि MSP मिनीम सपोर्ट प्राइस जी है वो 23 फसल आदियाँ तो सरकार ने अज तक झोने तो कणक तो बिना चुकया की आ किसान का किसान की हालत लिए अज जिम्मेवार कौन है ये नाल नाल मैं किसानी तो लहदा जोड़े लोग आना भी यह कहना चाहना कि मत सोचो इस ऑर्डिनेंस के नाल इस कानून के नाल सिर्फ किसान नूं फर्क पैना सारी अर्थव्यवस्था नूं सारी इकोनमी नूं इहदे नाल फर्क पैना क्योंकि सारी इकोनमी जिहड़ी है वह किसान दे सिर ते चलदी है फसल दे सिर ते चलदी है फसल वेच के खरीददारी हुंदी है चाहे वह कपड़ा है चाहे वह खाण पीन का समान है चाहे वह लोड़ा ने चाहे वह कारा ने हर लड़ींदियां चीज़ां ते लग्जरी की जिहड़ी खरीददारी है वह किसान दे मतलब काम करन तों शुरू हुंदी है ते जे वड्डे घराणियां दा किसानी दे उत्ते कब्जा हो गया तो आटोमैटिकली ये समझ लो कि तुहाडे कारोबार ते भी उन्ना ही फर्क पैना क्योंकि उन्ना कारोबारियां दे वड्डे वड्डे मॉल्स ने जिहदे विच हर चीज़ उपलब्ध है वह किसान नूं मजबूर करनगे चाहे वह लालचवस होवे चाहे वह बिजली की छोट दे के होवे उत्ते को पैसे घटा के होवे चाहे फसल के मुल दे उत्ते को सहूलत दे के होवे इहदे नाल नाल किसान नूं वह मजबूर ते लालच देणगे कि तुहाडी जिहड़ी खरीददारी है वह साडे इदारियां तों कीती जावे लड़ींदियां ते तुसीं वी रोवोगे जे अज तुसीं एक दूजे का साथ ना दिता ते खीरे टाइम तुहाडे ते वी आउणा तुहाडे ते किसे शायर ने बड़ियां वधिया लाइनां लिखियां जिहड़े एक दूजे का तमाशा वेखदे आ कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है आग के पीछे तेज हवा है आगे मुकद्दर आपका है उसके कत्ल पे मैं भी चुप था मेरा नंबर अब आया है मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं अगला नंबर आपका है सब तो वड्डा जिहड़ा नुकसान होण जा रहा वो लोकतंत्र दा जिहड़ा वो घाण होण जा रहा कि देश दे विच 14.6-14.25 करोड़ तो उपर जिहड़े परिवार आ वो किसान आ ते पंजाब ते एक एक परिवार च 5-5 जी मान सकते हैं यूपी बिहार दे विच 10-10 तो भी उपर जिहड़े जी ने देश की 70-75% जिहड़ी आबादी आ वो किसानी ते निर्भर आ मतलब 100 करोड़ दे करीब लोग जिहड़े किसानी ते निर्भर ने वो वड्डे घराणियां दे प्रभाव हेठ आ जाणगे जिवें कोई फैक्ट्री वाला जिवें कोई दुकान वाला अपने मुलाजम नूं अपने वर्कर नूं कह के उहनूं सौं पवा के वोटां पाउंदा है ना कि फलानी थां दे उत्ते वोट पाउणी तेरा मैं आह लैंस दूंगा तेनूं आह मैं विच अलाउंस दे दूंगा आह कुछ तेरे लई कर दूंगा
वोटां फलाने बंदे नूं पाउणियां, इसे तरीके का कब्जा जिहड़ा देश दे उत्ते होण जा रहा होना इत्थे भी इहोई आ। लोकतंत्र का घाण हो जाना, इन्हां दे चुंगल चों बाहर आ ही नहीं सकना किसान ने। और ये लोग अपनी मर्जी नाल वोटां पवा के वड्डे वड्डे घराणे अपनी मर्जी दे नाल देश दा प्रधानमंत्री बनाउणगे, अपनी मर्जी दे नाल देश दा मुख्यमंत्री बनाउणगे। जिवें ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी ते हौली हौली उन्हें पूरे देश दे उत्ते कब्जा कर लिया सीगा अंग्रेजां ने, उस तरीके ही हुण होण जा रहा। अखीर दे विच मैं कहूँगा कि देश विक रहा, रेलवे विक गया, एयरपोर्ट विक गए, बिजली विक गई, सड़कां विक गईआं भी टोल थां थां ते लगे ने, टैलीफोन विक गए, इंश्योरेंस विक गई, नौकरियां तक प्राइवेट जिहड़ियां हत्थां दे विच आ गईआं, ते होर जिहड़ा बड़ा कुछ उह वेचण दी तैयारी सीगी। इहदे नाल नाल अज जिहड़ा किसान नूं भी वेच दित्ता गया, कसूर किसी नेता का नहीं, किसी अफसर का नहीं, वड्डे घराणियां का नहीं, कसूर लोकां दा कि 1947 च आजादी लैण तो बाद असी इहो जी नींद सुते, सानू होश ही नहीं आई, तो चोर साडा सारा कुछ ही लैके चले गए, तो असी अजे तक भी नहीं उठे। लोग अपनी मौत आप मर रहे हैं। मैं समाप्ति च कहन लगा कि अंधेरा ढकले सूरज को तो उजालों की खता क्या है, अंधेरा ढकले सूरज को तो उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में तो ताले की खता क्या है, किसी के रूप की मदरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर मर जाए तो प्याले की खता क्या है। जेकर तुसी दर दर दियां ठोकरां खा के परेशान हो चुके हो, तां हुण तुहानूं नहीं घबराउण दी लोड़, क्योंकि गुरु जी करनगे तुहाडी हर समस्या दा हल, ओह वी सिर्फ 24 घंटे च। स्पेशलिस्ट वशीकरण लव मैरिज कोर्ट कचहरी, विदेश यात्रा, कर्जे तो छुटकारा, बीमारी विच दवा ना लगना, पति पत्नी विचारण बन कीता कराया, मनचाया वशीकरण, मनचाया प्यार, गुरु जी करनगे थवाड़ी हर समस्या दा हल 101% गारंटी नाल। एक फोन थवाड़ी बदल सकता है जिंदगी, हुणे कॉल करो 98725-69434, 97792-70216।